शहर का सबसे फास्ट चैनल सिटी बिग न्यूज। सिटी बिग न्यूज की नजर रहती है आपके शहर की हर खबर पर। भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए अशोक गोयल मंगालीवाला की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जनसेवा के माध्यम से शहरों व गाँव में एक अच्छी इमेज बनाने के बाद अब राजनीति में भी अच्छी पारी खेलते हुए अशोक गोयल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष पर राजली गांव स्थित गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल में कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और मुनिगिरी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी राजनीतिक पारी की जीत सुनिश्चित की। रावतखेड़ा में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं ग्रामीणों ने शाल ओढ़ाकर अशोक गोयल को सम्मानित किया। वहीं अशोक गोयल ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खेल के प्रति अपने प्रबल इच्छा का उद्घोष भी किया। अशोक गोयल मंगालीवाला का कहना है कि देश हित ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से सप्रेम भेंट की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। इसी कड़ी में अशोक गोयल मंगालीवाला ने जींद उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने जींद गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अशोक गोयल के भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई। साथ ही अशोक गोयल मंगालीवाला के भाजपा में आने से पार्टी को और भी मजबूती मिलने का विश्वास जताया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से भेंट के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने अशोक गोयल को कहा कि आप स्वच्छ छवि के चलते बीजेपी में धुवर कहलाओगे। वहीं फिर से धांसू गांव में श्रीमद् भागवत में जाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अशोक गोयल मंगालीवाला का कहना है कि अगर मनुष्य अपने चित्र और चरित्र में श्रीमद् भागवत को उतार ले तो इस लोक और परलोक में भी सपने में भी कष्ट न देखेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अशोक गोयल मंगालीवाला के स्मार्ट गांव विजन की प्रशंसा की और साथ ही अशोक गोयल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे आदरणीय, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे मुझे बीजेपी में स्वागत करा, मैं बहुत आभारी हूँ बाबूलाल जी। मेरे साथियों, मैं भी आप ही की तरह ग्रामीण था, आप ही की तरह मंगाली गांव में पैदा हुए, आप ही की तरह हिसार में थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे विजन बहुत ऊंचे थे, आसमान को छूने के थे। मैं आसमान को छूने के लिए मैं हिंदुस्तान छोड़ दिया। 40 साल हो गए मुझे छोड़े हुए कुछ पाने के लिए। मेरे बच्चों, मेरी जो हसरत थी, जो मेरी सोच थी, मैंने 16 कंट्रियों में काम कर हर चीज को पाया। इन बच्चों का जो विजन है हम सब मिलकर पूरा करेंगे। मैं एक ऐसी एकेडमी खोलूंगा जिसमें हमारे हरियाणा का फेम कबड्डी और फुटबॉल है, इन दोनों के लिए अच्छी अच्छे कोच लाएंगे और अच्छी एकेडमी बनाकर इनको इंटरनेशनल खेलेंगे। खेलों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं 2 मिनट में, जो मेरी बेटियों ने इस बाग की शोहरत बना दी। मैं आज उन बेटियों का इतना आभारी हूं कि पूछिए। मेरे साथियों, जब मेरी बेटियां गोल्ड मेडल जीता कि हम इंडियन हरियाणा कमजोर नहीं है, वो समय चला गया। आज राज है तो उन बेटियों का है। नरेंद्र भाई मोदी में वो कला है जो गल्फ कंट्री में रहकर इतना विशाल मंदिर की परमिशन लेकर शिलान्यास करके आए। मैं नरेंद्र भाई मोदी का फैन था। उनके अंदर सेवा भाव है। एक शेख मोहम्मद के अंदर सेवा भाव है, जो दुबई का राजा है, क्या मोदी जी है। शेख मोहम्मद को दुबई में अल्लाह मियां बोल। मैं हरियाणा की सेवा करूंगा, मैं हिसार की सेवा करूंगा और मैं बार बार आपके बीच आऊंगा मेरे बच्चों और सेवा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने का। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं से मिलने के बाद क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट अशोक गोयल को दिया जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति की ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।